गिड़गिड़ाने लगा विधायक। जज बोला, तू इंसान नहीं पशु से भी बदतर है, तुमसे बढ़िया तो पशु होगा, तो इंसान नहीं शैतान है। विधायक ने कहा, हुजूर हमारी उम्र 70 साल की है, बीमार भी हूँ, रक्तचाप बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर भी काफी गंभीर है, किडनी में भी संक्रमण है। हुजूर 3 साल से तो जेल में ही हूँ, दिल्ली की एम्स से इलाज होता है, 15 साल की सजा बहुत होती है, हुजूर सजा कम कर दीजिए। इस तरह दीनहीन होकर न्यायालय से जीवन की भीख मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि 4 बार विधायक रहा भदोही ज्ञानपुर का बाहुबली विजय मिश्रा। लगभग 80 मुकदमे विजय मिश्रा पर दर्ज हैं। इनमें लूट, रेप, हथियारों की तस्करी, अवैध खनन के अलावा हत्या एवं हत्या के प्रयास आदि के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। 15 वर्ष की सजा विजय मिश्रा को MPMLA की कोर्ट द्वारा दी गई है। आप सोचकर विश्वास भी नहीं करेंगे कि लाखों लोग जिन पर अपना विश्वास जताते हुए जनप्रतिनिधि बनाते हैं, उनको भी एक बार विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों को बनाते क्यों हैं। एक जगह तो है नहीं, एक कहीं विजय मिश्रा नहीं है, अनेकानेक जगह अनेक अनेक रूपों में कहीं सांसद हैं, कहीं विधायक हैं, कहीं MLC हैं, कहीं प्रधान बिकते हैं, कहीं जिला पंचायत का मेंबर बिकता है, सब मेंबर। और यह लोग अपने आप की जमीर बेच करके चंद पैसों के टुकड़ों पर और ऐसे लोगों को सदन में भेजते हैं। वो इतना घटिया निंदनीय आचरण करने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, आप इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। 18 अक्टूबर 2020 को वाराणसी शहर की रहने वाली एक गायिका, आप देखते हैं जगह जगह आर्केस्ट्रा के कार्यक्रम चलते हैं, तो तमाम लड़कियां हैं लड़के हैं अपने जीवन का एक रास्ता खोज लिए हैं कि हमारे पास हुनर है, अच्छा गाएंगे तो हम ठीक है, अभी एक रास्ता है व्यवसाय का, हम भूखों नहीं मर सकते। वैसी ही एक गायिका 2020 में जो वाराणसी की रहने वाली है, शहर की ही रहने वाली है, गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा सहित 3 लोगों के खिलाफ बलपूर्वक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज कराती है। गायिका का कहना है कि 2014 में विजय मिश्रा ने अपने चुनावी कार्यक्रम में गीत गाने के लिए उसे बुलाया था स्टेज पर। चूंकि 2014 का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, बेटी को भी टिकट मिला हुआ था, बेटा भी नेता हो गया था, या तो नेता थे ही जनप्रतिनिधि, तो उस समय तमाम लोग गायकों का प्रयोग करते हैं, कोई बिरहा गवाता है, कोई कव्वाली गवाता है, और कोई इस तरह से आर्केस्ट्रा कराता है, कोई नाच करवाता है। तो विजय मिश्रा ने भी चुनावी कार्यक्रम में गीत गाने के लिए उसे बुलाया था। स्टेज पर जाने से पहले ही जब वह मेकअप कर रही थी तो उसका रूप रंग देख करके विधायक पागल हो गया। आरोपी विधायक उसके चेंजिंग रूम में घुसकर जबरन अपना मुंह काला किया, गंदा काम किया। विजय मिश्रा की दहशत इतनी थी कि उसके गायिका के साथ वाले लोग भाग गए और अंत में यह कहा कि देखो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और जो हो गया सो हो गया, अब अपनी जान बचाना है या बहुत दरिंदा है, इसकी बात कोई सुनेगा नहीं और पुलिस के पास जाओगी वह भी नहीं सुनेगा। बहरहाल 2014 के बाद 2015 में भी प्रयागराज के अल्लाहपुर के अपने निवास स्थान पर बुलाकर विजय मिश्रा ने गलत काम किया। विजय मिश्रा के भय और आतंक की वजह से वह उत्तर प्रदेश छोड़कर मुंबई चली गई, सोचा यहाँ से हट जाएंगे तो इससे जान छूट जाएगा, किंतु विधायक वीडियो कॉल करता रहा, धमकाता रहा, मुंबई में भी उसके गुरुगों ने उसका जीना हराम कर दिया। तब विवश होकर उसने विजय मिश्रा के खिलाफ अनुकूल वातावरण पाकर जैसा कि मैंने बताया अपराध दर्ज कराया। गायिका का कहना है कि आरोपी विजय मिश्र लगभग 6 साल तक न केवल डराया धमकाया बल्कि उसके साथ मुंह काला करता रहा। एक बार तो उसे भरे बाजार में पब्लिकली धमकाया गया और उठवा लिया गया। उसके गुर्गे जब चाहते पीछा करते, पकड़ लेते और विजय मिश्रा के सामने पेश कर देते, हुजूर यह है, आपके आदेश का पालन हुआ और हुजूर आप भोग करिए, तो हवस मिटाता था। 82 मुकदमे विजय मिश्रा पर उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं तथा 1 मुकदमा पश्चिम बंगाल में, 21 मुकदमे प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें अकेले अगर देखा जाए जो भदोही इनका गृह जनपद है वह उस न्यायालय में कुल 15 मुकदमे वर्तमान में चल रहे हैं। शनिवार को MPMLA कोर्ट ने विजय मिश्रा के इस कृत्य के लिए 15 साल की सजा सुनाई और यह कहा कि तुम्हारा आचरण तो पशुओं से भी बदतर है, जनप्रतिनिधि बनाया लोगों ने यह सोच करके कि उनके हित और समाज में अच्छे कार्यों को प्रश्रय मिलेगा और आप जाकर के उनके मामलों को सदन में उठाओगे, लेकिन इतना घृणित और इतना घटिया स्तर ही निंदनीय और समाज को कलंकित करने वाला इस तरह का आचरण किया है, इसमें सजा कम नहीं की जा सकती और ऐसे लोगों का हश्र यही होना चाहिए।
ब्लॉक प्रमुख से लेकर के राजनीति की शुरुआत और फिर पॉलिटिकल रसूख ब्लॉक प्रमुख के बाद बढ़ता ही गया। बताते हैं उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी का आशीर्वाद प्राप्त करता है और 90 के दशक में विजय मिश्रा ब्लॉक प्रमुख बन जाता है। कई सदस्यों को उठाने, पैसा बांटने, डराने धमकाने और इस तरह के अनेकानेक आरोप लगे मारने पीटने के, किंतु उसका बाल बांका नहीं हो पाया और वह ब्लॉक प्रमुख हो जाता है। बाद में मुलायम सिंह यादव का कृपा पात्र बन जाता है। भदोही का जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकरण यादव मुलायम सिंह के अदब में नहीं थे और वह कुछ न कुछ मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बोलते रहते थे, इसलिए मुलायम सिंह को भी ऐसे दमदार और बाहुबली नेता की जरूरत थी भदोही जैसी जगह में जो शिवकरण को मात दे सके। बताते हैं मुलायम सिंह यादव ने विजय मिश्रा को राजनीतिक प्रश्रय देकर शिवकरण यादव को मात दिया। जिला पंचायत में भी विजय मिश्रा आते हैं, इनके लोग भी जीतते हैं और शिवकरण यादव का अच्छा विकल्प बन गए विजय मिश्रा। 2002 में मुलायम सिंह यादव ने विजय मिश्रा को विधानसभा का टिकट दे दिया। ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विजय मिश्रा ने जीत हासिल कर मुलायम सिंह यादव का हाथ मजबूत किया। हम अगले वीडियो में बताएंगे किस प्रकार मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर में लेकर विजय मिश्रा को उड़ गए और पुलिस देखती रह गई। मुलायम सिंह यादव ने कहा जिसकी कुबत हो आए और विजय मिश्रा को गिरफ्तार करे। हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कि मुलायम सिंह के चहेते विजय मिश्रा के साथ अखिलेश का राजनीतिक व्यवहार और सलूक कैसा रहा, इस पर आप अगले वीडियो का इंतजार करें। एमपी एमएलए कोर्ट में सपा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा, 1,00,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 2014 में विजय मिश्रा की बेटी समाजवादी पार्टी से लोकसभा की प्रत्याशी बताई जाती थी। 2016 में विजय मिश्रा की पत्नी को सपा ने विधान परिषद का टिकट दिया और वह एमएलसी बन भी गई। इस तरह के बड़े बड़े अपराध कारित करने वाला विजय मिश्रा हवन पूजन और यज्ञ भी करवाता था, पूजा पाठ में भी दिखाता था चोंगा पहन करके कि हम पुजारी भी हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के महीने में वैदिक लोगों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करवाता था और 25-50 हज़ार लोग खाते पीते थे उस यज्ञ में, और उस यज्ञ के माध्यम से राजनीति की सियासत चढ़ने का यह पूरा प्रयास करता था। विजय मिश्रा के पेट्रोल पंप से उसके बेटे के पास से AK-47 भी बरामद हुई और काफ़ी हथियार भी मिले थे। विपक्ष अपने अपने ढंग से इस कार्रवाई को भले ही राजनीतिक रंग रूप देकर सियासत की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करेगा, अपना वोट बैंक मजबूत करने की फितरत करेगा, किंतु बाहुबली विजय मिश्रा ऐसा गुंडा, अपराधी और माफिया था, इसके राजनीतिक रसूख के आगे कोई बोलने का साहस नहीं जुटा पाता था। आगे या पीछे अपने अपने कर्मों का दंड तो सभी को भोगना ही पड़ेगा और यह इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर कभी इस तरह का आपका अवसर आता है, इस तरह से आपके पास पावर होता है, तो आप यह न समझें यह हमेशा रहेगा। यह कुछ दिन का है, 10-10 साल, 40-40 साल, ऐसे हमारे पिताजी कहते थे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा पूर्व विधायक विजय मिश्रा को जो 15 वर्ष की सजा दी गई है और जुर्माना भी किया गया है, जिस पर रोते घिघियाते और दीनहीन होकर के न्यायालय से अनुरोध करते हुए विजय मिश्रा देखा गया, 70 साल की उम्र में यह दंड शुरू हो गया है। ऐसे तमाम लोग जो दंड भोग रहे हैं, बारी बारी में उनके कुकृत्य और मिलने वाले दंड को बताऊँगा। प्रणाम, नमस्कार।